लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरे चरण के मतदान से पहले सभी नेता पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं। इस बीच नेता एक दूसरे पर निजी हमले भी करने से नहीं चूक रहे हैं। चाचा शरद पवार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छीनने वाले अजीत पवार ने अब भतीजे रोहित पवार पर भी निजी हमला किया है। चलिए सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के पुणे में बारामती में रैली की। यहां उन्होंने रोहित पवार का मजाक बनाया। राज्य के उप मुख्यमंत्री ने भतीजे रोहित पवार के रोने की नकल करते हुए जेब से रुमाल निकालकर आंसू पोंछने की एक्टिंग कर दी। ये देखकर सभा में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। चुनावी सभा के दौरान अजीत पवार ने कहा, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने रोने की एक्टिंग भी कर दी, जिसे देखकर उनके समर्थकों ने जमकर ठहाके लगाने शुरू कर दिए। सुप्रिया सुले के लिए प्रचार करते समय रोहित पवार एक सभा में भावुक हो गए थे, जिसका वीडियो वायरल भी हुआ था। उन्होंने एनसीपी के टूटने का जिक्र किया और कहा कि शरद पवार ने उनसे कहा था कि सभा विमानी महाराष्ट्र बनाने के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने की जरूरत है। ऐसा होने से पहले वो अपनी आंखें नहीं बंद करेंगे। इसके बाद वो भावुक होकर रोने लगे थे। हालांकि अजीत पवार के मजाक बनाने के बाद रोहित ने कहा है कि उनका भावुक होने का कोई भी इरादा नहीं था। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।